हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश सीखो विद अभय सर में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में एक बार फिर से हम लोग स्पोकन इंग्लिश का एक और स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि कई बार हमें ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ते हैं जैसे वो दिन दूर नहीं जब वो एक डॉक्टर बनेगा, वह दिन दूर नहीं जब आप लोग अंग्रेजी बोलेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने के लिए हमें किस फ्रेज का प्रयोग करना होता है और ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना चाहिए, तो आज की वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा दैट डे इज नॉट और, फिर आपको वेन लिखना है, फिर उसके बाद टाइम टाइम। देखिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देख लीजिए, डैट डे इज नॉट फॉर, डैट डे इज नॉट फॉर प्लस उसके बाद आपको वेन लिखना है, वेन के बाद सेंटेंस जो भी रहेगा सेंटेंस लिख देंगे तो इस प्रकार के सेंटेंस को आसानी से बना लेंगे। चलिए वीडियो को बना करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं। वह दिन दूर नहीं जब आप लोग अंग्रेजी बोलेंगे, वह दिन दूर नहीं, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डैट डे इज नॉट फॉर, तो लिखेंगे डैट डे इज नॉट फॉर, फिर आपको वेन लिखना है, जबकि इंग्लिश के लिए आपको वेन लिखना है तो वेन, फिर उसके बाद आप लोग अंग्रेजी बोलेंगे तो यू विल स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। देखिए वह दिन दूर नहीं जब आप लोग अंग्रेजी बोलेंगे, दैट डे इज नॉट फॉर व्हेन यू विल स्पीक इंग्लिश, कितना आसानी से बन जा रहा है। तो अगर हम लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तो कोई भी सेंटेंस हम लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, वह दिन दूर नहीं जब वह एक डॉक्टर बनेगा, दैट डे इज नॉट और व्हेन, फिर उसके बाद ही विल बी अ डॉक्टर। देखिए वह दिन दूर नहीं जब वह एक डॉक्टर बनेगा, दैट डे इज नॉट और व्हेन ही विल बी अ डॉक्टर। तीसरा देखते हैं, वह दिन दूर नहीं जब मैं अमीर बनूंगा, तो वह दिन दूर नहीं, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा दैट डे इज नॉट और, फिर उसके लिए जब के लिए आपको लिखना पड़ेगा व्हेन, फिर उसके बाद मैं अमीर बनूंगा सेंटेंस आई विल बी रिच। देखिए वह दिन दूर नहीं जब मैं अमीर बनूंगा, दैट डे इज नॉट फॉर व्हेन आई विल बी रिच। वह दिन दूर नहीं जब मैं पैसे कमाऊंगा, तो होगा दैट डे इज नॉट फॉर, फिर आपको जबकि इंग्लिश के लिए लिखना पड़ेगा व्हेन मैं पैसे कमाऊंगा आई विल और मनी। देखिए वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसे कमाऊंगा, दैट डे इज नॉट फॉर व्हेन आई विल अर्न मनी।